कोतवाली थाना क्षेत्र के शाहबाद गेट पर बसपा पार्टी की तरफ से जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा के मंच से बसपा प्रत्याशी सैला खान ने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों की हज करने की बात असलियत बदल जाती है, लेकिन कुछ 70 साल के बूढ़ों की हज करने के बाद भी असलियत नहीं बदलती, सोच नहीं बदलती। उनको लगता है एक और गुनाह कर लो, फिर एक और गुनाह कर लो, बार बार गुनाह करते रहो और हज करते रहो। और कहा, आज तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी, बेटी आज तो अपने मायके में आई है, क्या मुझे मेरे मायके वाले वोट नहीं देंगे? और झोली फैलाकर वोट की मांग करते हुए मंच पर ही फूट फूट कर रो पड़ी और कहा, मेरे सभी भाइयों से अपील है कि इस बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें। इस तरह सैला खान ने आजम खान पर एक बार फिर से बोला हमला। वहीं जनसभा में आए लोगों ने सैला खान को उत्साहित करने के लिए जोर शोर से की नारेबाजी। आज तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी क्योंकि आज बेटी अपने लड़के में आई है, बेटी अपने लड़के में आई है। असलियत बदल जाती है, उसे खुदा का खौफ होता है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ 70 साल के बूढ़ों की हज करने के बाद भी असलियत